बीवी खदीजा के अंदर ऐसी क्या खासियत थी कि हम आपको ये कह रहे हैं कि बी लाइक खदीजा? सबसे पहले इंटेंशन, आप जो भी काम करना चाहते हैं उसके अंदर अपनी इंटेंशन को, नियत को खालिस कर लीजिए। क्या करना है? हाँ, इसका मतलब क्या होगा? अरे नियत तो मैंने कर ली, स्कूल जाना है, पढ़ाई करनी है, इसमें क्या बड़ी बात है, वो तो मेरी नियत है ही। 12वीं करूँगी, ग्रेजुएशन करूँगी, अम्मा शादी करवा देंगी, फिर मैं जानूँ, मेरा शौहर जाने, बच्चे जाने, क्या ये ज़िंदगी का मकसद है? ये तो वैसे हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है ही है, आप चाहें या ना चाहें, शादी तो आपकी होने ही वाली है, लेकिन आपकी पहचान क्या रहेगी? ये सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल है जिसको आज से आपने सोचना शुरू करना है। जब हम औरतें हैं ना, तो हम कमज़ोर नहीं हैं। हमें अगर हमारी पहचान मिल जाए, हम अपने आप को पहचान लें, तो आपको अंदाज़ा नहीं है कि आज के ज़माने के उमर आपने उनके चलते आएंगे, आज के ज़माने के इमाम शाफ़ी, आज के ज़माने के इमाम हम्बल आप लोगों की तरबियत से पैदा होंगे। आपको पता है कितनी बड़ी जिम्मेदारी है ये? आज जब आप अपने यंग एजेस में हैं, तो अपनी ज़िंदगी को किसी तरह से भी ढाल सकते हैं। तो यहाँ पे रियल लाइफ में आपको मोटिवेशन नहीं मिलेगा, लोग आपको गिराएंगे। क्या करेंगे? तो क्या करेंगे हम? उनकी बातों को नहीं सुनेंगे और उठकर खड़े हो गए। हज़रत खदीजा मक्का की मालदार औरतों में से एक औरत, उनकी तिजारत मुल्क शाम तक फैली हुई थी, मदीना तक और मुल्क शाम तक उनकी तिजारत फैली हुई थी। वो अपने हुदूद में रहते हुए वो कारोबार करती थी, वो जो है तो तिजारत करती थी और तिजारत के बड़े बड़े काफिले रवाना करती थी। तो हम आज यहाँ से बाजी से ये सीखेंगे कि हम अपने हुदूद में रहते हुए कैसे एंटरप्रेन्योरशिप में आगे बढ़ सकते हैं, हम कैसे तिजारत कर सकते हैं, हम कैसे मालदार बन सकते हैं, हम कैसे खुद कफील बन सकते हैं। मैं बाजी से दरख्वास्त करता हूं कि वो आए और इस उनवान में बहनों की रहनुमाई फरमाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। प्यारी बच्चियों, कैसी हैं आप लोग? तो मैं सिर्फ एक चीज आपके सामने रखूंगी, जम बिंदुनी, जम बिंदुनी, जम बिंदुनी। किसको पता है क्या मतलब है इसका? एनीबडी? ओके। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पहली आयत नाजिल हुई थी इकरा, राइट, तो उस टाइम पे वो बहुत डरे हुए थे, बहुत घबराए हुए थे, बहुत परेशान थे और उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तो उन्होंने क्या किया, वो एकदम जल्दी 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 दौड़ते हुए अपनी ज़ौजा बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास गए और उनको कहने लगे, जम बिनोनी, जम बिनोनी, जम बिनोनी, उड़ा दो मुझे, उड़ा दो मुझे, उड़ा दो, कवर कर दो मुझे। ठीक है ना, वो इतने घबराए हुए थे, इतने परेशान थे, उनको ये पूरी नई चीज़ समझ में नहीं आ रही थी। और उस टाइम पे उन्होंने किसके ऊपर भरोसा किया, किसके ऊपर एतमाद किया, किसके ऊपर, है ना? तो कैसी खातून होंगी कि एक आदमी जिसको अल्लाह सुभान ताला नबूवत से नवाज रहे हैं और वो भागते दौड़ते मशवरे के लिए, आफियत के लिए, अपने प्रोटेक्शन के लिए किसके पास जाते हैं? अपनी वाइफ के पास। ठीक है ना, तो आज हम ये देखेंगे कि जब हमारा टॉपिक है बी लाइक खदीजा, तो उसका मकसद क्या है, हम क्यों ये कहते हैं कि बी लाइक खदीजा है? आप लोग क्या एज ग्रुप में होंगे? 14 से 18 तक होंगे? हाँ, 19, ओके, 13, 14, 15, दिस इज़ द परफेक्ट एज। ये आपकी ज़िंदगी की परफेक्ट एज है जब आपको अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है, प्लान करना है। बीबी आयशा का निकाह कौन सी एज में हुआ था?
ये और उनकी विदाई कब हुई थी? उसमें आप तो बहुत बड़े हो गए, है ना, बहुत बड़े हो गए। उन्होंने क्या किया निकाह के बाद? अल्लाह सुभान ताला ने उनको दी बेस्ट ऑफ दी बेस्ट स्कॉलर का दर्जा दिया। कितनी हदीसें उन्होंने नरेट की थी? 4,000 से ज़्यादा हदीसें उन्होंने नरेट की, और सिर्फ नरेट नहीं की, उतने सहाबाओं को सिखाया। शी वॉज अ टीचर ऑफ द स्कॉलर्स, है ना, कितनी बड़ी बात हो गई। नाउ कमिंग बैक टू बीबी खदीजा, बीबी खदीजा के अंदर ऐसी क्या खासियत थी कि हम आपको ये कह रहे हैं कि बी लाइक खदीजा? क्या था उनके बारे में, वॉट वॉज सो स्पेशल अबाउट हर, आप बताइए। कोई भी शेयर, आप लोग बात नहीं करेंगे ना, तो ना आपसे मैं कुछ सीख पाऊंगी, ना आप मुझसे कुछ लेकर जा सकेंगे। आपको पता है बीबी खदीजा वॉज द फर्स्ट लेडी, हम कहते हैं इस्लामिक बैंकिंग, इस्लामिक फाइनेंस 150-200 साल पहले आया है, लेकिन इस्लामिक बैंकिंग का जो कॉन्सेप्ट था 1400 साल पहले बीबी खदीजा ने उम्मत को दिया था, अरब्स को दिया था। वो क्या करती थी? वो पैसा लगाती थी, ताजिरों को आइडेंटिफाई करती थी, उनको माल देती थी, और वो फिर उससे जो भी प्रॉफिट आता था उसका प्रॉफिट शेयरिंग करती थी, ठीक है ना। तो पहला इस्लामिक बैंकिंग का जो कॉन्सेप्ट था, जिसको इजारा कहा जाता है, तो वो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है ना। अब उसके बाद हमने ये देखा था कि उनकी क्या खसूसियत थी, जब वो बिजनेस करती थी तो किन चीज़ों की ख़ास तौर पर एहतियात करती थी। सबसे पहले इंटेंशन, आप जो भी काम करना चाहते हैं उसके अंदर अपनी इंटेंशन को, नियत को खालिस कर लीजिए। क्या करना है? हाँ, इसका मतलब क्या हुआ? अरे नियत तो मैंने कर ली, स्कूल जाना है, पढ़ाई करनी है, इसमें क्या बड़ी बात है, वो तो मेरी नियत है ही। 12वीं करूँगी, ग्रेजुएशन करूँगी, अम्मा शादी करवा देंगी, फिर मैं जानूँ, मेरा शौहर जाने, बच्चे जाने, क्या ये ज़िंदगी का मकसद है? क्यों, ये मकसद नहीं है ज़िंदगी का, तो फिर क्या मकसद है, क्या मकसद है? आप कौन हैं? हाँ, कौन है? ठीक है, उम्मत मुस्लिमा है, मुसलमान है, आप कौन हैं? गर्ल, वेरी गुड। और कौन है, आप कौन हैं? बताइए बताइए। बेटी है, ओके, वेरी गुड। आप बहने बताइए, आप लोग कौन है, आप बताइए। ह्यूमन बींग, ह्यूमन बींग, ठीक है, कितनी आम सी बातें हैं ना, बेटी, ह्यूमन बींग, उम्मत मुस्लिमा, मुसलमान, आप हैं कौन, आपकी पहचान क्या है? हम कहते हैं मैं अब्दुल्ला की बेटी हूँ, या फुरकान की बेटी हूँ, या अब्दुल समद की बहन हूँ, हाँ, या अशरफ की बीवी हो, राइट। तो ये तो हम किसी और की पहचान से अपने आप को पहचाने जा रहे हैं। अल्लाह ताला के बंदे हैं, ब्यूटीफुल, अल्लाह ताला के बंदे हैं तो, लेकिन अल्लाह ताला के बंदे तो सभी हैं, आपकी पहचान क्या है? अल्लाह सुभान ताला ने आपको किस लिए पैदा किया है? अल्लाह ने आपको अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, ठीक है ना। अब इबादत हम ये समझते हैं कि 5 टाइम की नमाज पढ़ ली, रोज़ा रख लिया, ज़कात दे दी, हमारी इबादत पूरी हो गई, क्या यही इबादत है? नहीं। तो इबादत क्या है? इंसानों की खिदमत करना, वेरी गुड। और क्या है? मदद करना, वेरी गुड। और बड़ी बहनें भी पार्टिसिपेट कर सकती हैं। और क्या है इबादत? क्या है? अल्लाह के अहकाम को पूरा करना, माशाल्लाह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करना, अल्लाह, माशाल्लाह, ये सारी चीज़ें इबादत में आ जाती हैं। कभी आपने ये सोचा कि आप घर में जाते हैं स्कूल से, थकी घर में जाती हैं, बहुत थकावट है, लेकिन अम्मी ने कहा पानी दे दो, ठीक है ना, आपने जल्दी 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 गए, नियत बनाई कि अल्लाह अम्मी को मैं पानी दूँगी ना तो मुझे ढेर सारी दुआएँ और ढेर सारा सवाब देना, क्या हुआ? इबादत हो गई, है ना। इतना सिंपल है इबादत करना, यानी छोटी छोटी चीज़ें जो आप किसी को
मदद करने के लिए कर दें, लेकिन उसके अंदर सिर्फ इतना इंटेंशन चेंज कर लें कि आप अल्लाह को राज़ी कर रहे हैं, तो वो इबादत के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। खाना बनाया, अल्लाह ताला ये खाना बना रही हूँ, जो भी खाएगा वो खूब भर भर के आपकी इबादत करे। सिंपल, सिर्फ आपकी इंटेंशन चेंज हो गई, इबादत हो गई, है ना। तो इबादत के लिए हमें कोई बहुत बड़े बड़े काम करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप ये सारी बच्चियाँ, कितनी यहाँ पे 50-60 जितनी भी बच्चियाँ बैठी हैं, हमारी बहनें हैं, वालदाएँ हैं, टीचर्स हैं, जो भी हैं, आपने आज ये तय करना है। क्या तय करना है? कि आपकी पहचान क्या होगी। जैसे ये बहन ने कहा कि लोगों की खिदमत करना, ठीक है ना, यानी अगर हम इसको इंग्लिश में देखें तो सोशल वर्क करना। लेकिन सोशल वर्क तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, आप किस तरह से, आपका एक्सप्रेशन क्या रहेगा सोशल वर्क करने के लिए, ठीक है। अब जैसे मैं एक मिसाल दूंगी कि लॉकडाउन हुआ था, मैं बॉम्बे से आई हूँ, बॉम्बे में हमने देखा था कि पूरे इंडिया से 5 लाख लेबर क्लास, यानी जो हवाली का काम करते हैं, डेली वेजेस पे काम करते हैं, उनको खाना नहीं मिलता था, ठीक है ना। हमने क्या किया कि कुछ लोगों को जमा किया, बावर्ची को जमा किया और 150 लोगों का खाना बनवाया, ठीक है ना, इबादत के नियत से। अब वो अल्लाह ताला को शायद इतना कबूल हो गया कि 3 महीने में 12 लाख लेबर्स का खाना हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सके, ठीक है ना। तो ये कहने का मकसद ये है कि इसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं है, मेरी नीयत थी कि अल्लाह ताला इस तकलीफ के मौके पे ना काम दे ले, और अल्लाह ताला ने वो नीयत को कबूल किया। तो मकसद ये है कि आज जब आप अपने यंग एजेस में हैं, तो अपनी ज़िंदगी को किसी तरह से भी ढाल सकते हैं, ठीक है ना। और ये बात जहन से निकाल दीजिए कि आपकी ज़िंदगी शादी, बच्चे, शौहर, सास, यही है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट हमारी जिम्मेदारी है। मेरे 4 बच्चे हैं माशाल्लाह, 4 बड़े हो गए हैं, अपने अपने जॉब्स पर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जब वो छोटे थे मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी कौन थी, मेरे बच्चे थे, मेरा घर था। लेकिन एट द सेम टाइम आपको ये एहसास करना है कि एज अ वुमन, एज अ गर्ल, अल्लाह सुब्हानहु तआला ने आपको इस चीज़ के लिए डिस्टाइन नहीं किया है कि आप पढ़ लिख कर इल्म हासिल करके सिर्फ घर गृहस्थी करें। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? आप लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? तो अब मुझे बताएं कि अब यानी आज से जब 5 साल में, 10 साल में आप लोग ग्रेजुएशन करेंगे, तो आपकी पहचान क्या होगी, क्या बनेंगे आप लोग? और ये नहीं कहिएगा बीवी बनूंगी, अम्मा बनूंगी, बहू बनूंगी, ये तो बनना ही है। मतलब ये तो जैसे ऐसा है कि हम सांस ले रहे हैं, सो रहे हैं, जाग रहे हैं, वॉशरूम जा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, ये तो वैसे हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है ही है, आप चाहें या ना चाहें, शादी तो आपकी होने ही वाली है। लेकिन आपकी पहचान क्या रहेगी, ये सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल है जिसको आज से आपने सोचना शुरू करना है। अगर यहाँ पे मदर्स हैं, टीचर्स हैं, ऐसे काउंसलर्स हैं जो यहाँ पे हॉल में बैठे हुए, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि बच्चों को इस तरह सोचने पे लगाइए कि वो अपनी पहचान बनाए, गौर और फिक्र करे, ठीक है ना। अब ज़रूरी नहीं है कि अपनी पहचान बनाने के लिए आपको बहुत बड़े बड़े काम करने हैं, हाँ कुछ बड़ा करेंगे तो ही पहचान बनेगी, नहीं। यू नो आई नो वन लेडी, एक खातून को मैं जानती हूँ जिनके हस्बैंड का इंतकाल हो गया, तो वो ये कहती है मुझे लोन चाहिए, लोन चाहिए, मुझे एहसान नहीं चाहिए, लोन चाहिए 10,000 रुपये का, और वो 10,000 रुपये से मैं आपको कुछ 6 महीने 8 महीने में लौटा दूंगी। अब वो बहन ने वो लोन दिया 10,000 का, उन्होंने 2 सिलाई मशीन खरीदे और इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की कि 6 महीने के अंदर वो 10,000 का लोन जो है वो लौटाने गई। अब जिन्होंने लोन दिया था उन्होंने कहा कि 10,000 ही आप रख लीजिए, आपको काम आएंगे। तो वो ये कहती है कि भाई साहब अगर ये मैंने रख लिए ना, तो ये मेरे लिए बहुत नाइंसाफ़ी हो जाएगी और उम्मत के लिए बहुत नाइंसाफ़ी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये 10,000 से आप किसी और की मदद कर सकते हैं, मेरे जैसी बेवा की। आज माशाल्लाह उनके पास 30 सिलाई मशीन है और वो स्कूल के यूनिफॉर्म्स को ऑर्डर देती हैं। तो कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं हो जाती। उन्होंने और क्या किया, ये भाई जिन्होंने 10,000 रुपये दिए थे, उन्होंने ये सोचा कि ये औरत जिसके कोई पहचान नहीं है,
जिसका शौहर गुजर गया, उसकी 3 जवान बच्चियां हैं, अगर वो इतने हिम्मत से ये काम कर सकती है तो क्यों ना हम इस इन जैसी और औरतों के लिए काम करें। तो उन्होंने अखुवत के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया, ठीक है ना, और वो प्रोग्राम ऐसा है कि आज 90,000 करोड़, कितना 90,000 करोड़ का लोन उन्होंने लोगों को दिया, और 99.98% लोग वो लोन को रिटर्न करते हैं, है ना। तो वो खातून का नाम तो किसी को पता नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने लिए पहचान बना ली, ठीक है ना। समझ में आया मैंने क्या कहा भाई? तो पहचान बनाने के लिए हमें बहुत बड़े बड़े काम नहीं करने हैं। समझो कि आपको लिखना अच्छा लगता है, ठीक है ना, इफ़ यू आर अ गुड राइटर, राइट बैठो, अगर आप अच्छी राइटर हैं, अगर आपको पकाना अच्छा लगता है, अगर आपको पेंटिंग करना अच्छा लगता है, वो इंस्टाग्राम पे सोशल पोस्ट बनाना आता है, ठीक है ना, अगर आपको बच्चों के साथ खेलना अच्छा लगता है, ठीक है ना, कुछ भी जो चीज़ में आपका दिल लगता है, जो चीज़ में आपका दिल लगता है, ठीक है ना, अगर आपको पोइट्री अच्छा लिखना आता है, अगर आपको लोगों के साथ इंटरेक्ट करने में अच्छा लगता है, जो स्किल आपकी अच्छी है उसको आप डेवलप कीजिए, उसके ऊपर आप मेहनत कीजिए और उसको अपनी पहचान बनाइए, ठीक है ना। अब जब हम अपने टॉपिक पे जाते हैं बीला खदीजा में, तो हम ये देखते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब उनका इंतकाल हो गया, और हज़रत उमर रदी अल्लाहु अन्हु जो हमारे दूसरे खलीफा थे, तो उनके ज़माने में और इवन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में औरतों को कितनी अहमियत दी जाती थी, आपको पता है? आपको पता है मस्जिद के अंदर औरतें जो हैं ख़ास 5 टाइम नमाज अदा करने जाती थी, और मस्जिद के अंदर जब मशवरों की महफिलें होती थी ना सहाबाओं के बीच में, और जो मशवरे लीड करते थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या फिर दूसरे खलीफा, तो औरतें वहाँ पे मशवरा देने के लिए जाती थी। आपको पता है एक वाकया, मेहर के लिए हज़रत उमर रदी अल्लाहु अन्हु ने कहा था कि आज से मेहर इतनी ही रहेगी, और एक खातून जो है वो मशवरे की महफिल में खड़ी हो गई। आप कैसे मेहर की जो अमाउंट है वो मुकर्रर कर सकते हैं? मेरे रसूल ने तो नहीं कहा, आप कैसे कर सकते हैं ना? तो वो पावर था औरतों के पास कि वो हमारे भाइयों की रहनुमाई करते थे। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के लिए गए थे पहली दफ़ा, और उनको हज नहीं करने दिया गया था, और हमारे सहाबा जो थे वो परेशान थे कि क्या करें, हज अदा करें वापस चले जाए, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने परेशान थे कि क्या करें, क्या सलूशन निकालें। तो उनकी जौजा ने उनको मशवरा दिया कि आप अपना सर मुंडवा लीजिए और कुर्बानी कर लीजिए, बस इतना ही कहा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर मुंडवा लिया, कुर्बानी कर दी, उनको देखा देखी सारे सहाबाओं ने कुछ भी सवाल पूछे बिना सर मुंडवा लिया, कुर्बानी कर ली। तो ये है आपका पावर। जब हम औरतें हैं ना तो हम कमज़ोर नहीं हैं, हमें अगर हमारी पहचान मिल जाए, हम अपने आप को पहचान लें, तो आपको अंदाज़ा नहीं है कि आज के ज़माने के उमर आपने उनके चलते आएंगे, आज के ज़माने के इमाम शाफ़ी, आज के ज़माने के इमाम हम्बल आप लोगों की तरबियत से पैदा होंगे। आपको पता है कितनी बड़ी जिम्मेदारी है ये, मालूम है आपको, है ना। तो क्या करेंगे, क्या करेंगे हम लोग, बस स्कूल जाएंगे, पढ़ाई करेंगे, एग्ज़ाम पास हो जाएंगे, मर मर के इम्तहान लिख लेंगे, ऐसा करेंगे? नहीं, क्या करेंगे, वादा दीजिए मुझे, कैसे बनाएंगे, क्या नियत करेंगे, क्या नियत करेंगे? जो भी काबिलियत है उसको इम्प्रूव करेंगे, वेरी गुड। और नियत क्या है, नियत कि आपने एकदम इखलास के साथ, एकदम एतमाद के साथ अल्लाह के ऊपर तवक्कल कर दिया, और अल्लाह को बोल दिया अल्लाह ये करना है, अब तू करवा, कैसे करवाएगा मुझे नहीं पता, मैं तो छोटी सी मुन्नी सी अभी बच्ची हूँ, मुझे नहीं पता कैसे होगा, बस करवा दे, है ना। तो वैसी नियत करनी है, कच्ची पक्की नहीं, हाँ हो जाएगा, अल्लाह ने चाहा तो हो जाएगा, अरे अल्लाह अल्लाह ने तो चाहेगा, अल्लाह चाहेगा तब जब आप मेहनत करेंगे, वो नियत के ऊपर कोई एक्शंस लेंगे तो ही काम आगे बढ़ेगा ना। तो सबसे पहला वसूल क्या है, आपको अपने आप को पहचानना है, फिर नियत करनी है,
और तीसरा वो नियत के ऊपर एक्शंस लेने हैं। ये सोचना बंद कर दीजिए कि आप अभी बच्चे हैं। हज़रत आयशा की शादी कौन सी उम्र में हुई थी, विदाई कौन सी एज में हुई थी? तो हम तो बुढ़े हो गए अभी, है ना? अम्माओं को बोले आपकी शादियाँ जल्दी जल्दी करवा दें। ओके, सो मजाक एक तरफ, लेकिन तीसरा टिप क्या है, आपने एक्शंस लेने हैं और ये नहीं सोचता कि हम अभी बच्चे हैं, ठीक है ना? एक्सप्लोर, राइटिंग स्किल्स देखिए, कम्युनिकेशन स्किल्स देखिए, करंट अफेयर पढ़िए, ठीक है ना? करंट अफेयर में देखिए कि इंडिया में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, औरतें क्या काम कर रही हैं। आपको पता है उमर रदी अल्लाह अन्हु के ज़माने में जो वहाँ पे मार्केट हुआ करती थी ना, मदीना की जो मार्केट थी, वहाँ पे ये निज़ाम था कि जैसे यहाँ पे एग्जीबिशन में क्या सब स्टॉल्स लगाए हुए, तो रहते परमानेंट मार्केट हुआ करती थी। तो उसको जो सुपरिटेंडेंट थी ना, वो एक खातून थी, शिफा बिन अब्दुल्ला, उसके बारे में रिसर्च कीजिएगा। और उनके हाथ में उन्होंने वो हंटर दिया हुआ था और उनको ये हिदायत दी थी कि अगर कोई चोरी करे या अगर कोई माल के अंदर वजन करने में ऊंच नीच करे तो आप उनको हंटर मारेंगे। किसको? मर्दों की मार्केट में औरतों को क्या बनाया था? इंस्पेक्टर बनाया था, ठीक है ना? तो क्या रुतबा होगा उन लोगों का, क्या उन लोगों का जाहो जलाली होगा कि इतनी इम्पोर्टेंस दी जाती थी। आज प्रॉब्लम क्या होता है कि हम अपने आप को छोटा समझते हैं, हम 40 साल के हो जाते हैं, 50 साल के हो जाते हैं, बस यही सोचते कि मेरा जिम्मेदारी घर गृहस्थी, बच्चे बड़े करना, सास ससुर की खिदमत करना, शौक, ये बहुत ज़रूरी है। ये तो हमारे जैसे सांस लेना, आँख बंद करना, आँख खोलना, ये तो उसी तरह से हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। हम ये नहीं कह रहे कि ये चीज़ें नहीं, ये तो सबसे पहले करनी है, लेकिन उसके साथ साथ अल्लाह ताला ने जो आपको सलाहियतें दी हैं उस सलाहियतों को इस्तेमाल करते हुए कोई खैर का काम करना है, ठीक है? तो कितने पॉइंट्स हमने डिस्कस किए? पहला क्या था? हाँ, अपने आप को पहचानना, वेरी गुड। दूसरा, एक्सीलेंट, नियत करना, कच्ची पक्की नियत, पक्की पक्की नियत, वेरी गुड। तीसरा, एक्शन लेना। चौथा अपनी स्किल्स को डेवलप करना, एक्सीलेंट। और पांचवा पॉइंट हमने क्या डिस्कस किया? अपने आप को कभी भी छोटा नहीं समझना, ठीक है? चले, अब मुझे ये बताएं, अब मैं आपको एक छोटे से बच्चे की मिसाल देती हूँ जो 8 साल का है, ठीक है? और ये रियल स्टोरी है। अच्छा, शार्क टैंक किसने देखा है? उसे शार्क टैंक करके एक प्रोग्राम आता है, किसी ने देखा है? हाँ, क्या होता है उसमें? शार्क टैंक में बहुत सारी कंपनीज आते हैं, अपना एडवर्टाइजमेंट देते हैं, और वो जो जजेस होते हैं थोड़े सी पर्सन के लिए उन्हें कुछ पैसे देते हैं, कितने पर्सन के लिए इतना मैं लोन चाहता हूँ। वेरी गुड। और उसमें क्या एज के लोग आते हैं? ऑल द एजेस आर कमिंग, सम टीनेजर्स ऑल्सो कम, 40 to 50 ages also come. Some mothers also come with their cooking skill. Right. So, Shark Tank का concept ये होता है कि आपके पास कोई एक business model है, ठीक है ना? Business model मतलब अगर आपको लगता है कि आपकी मम्मी अचार बहुत अच्छा बनाती है, और चटकारेदार एकदम, हाँ, मज़े का, राइट? आप कहते हैं मम्मी ये अचार हमें बेचना चाहिए, लेकिन आप कहेंगे अम्मी पैसे तो है नहीं, कैसे अचार बिकेगा, कैसे बिकेगा, क्या करेंगे हम? ही? हाँ, मेहनत तो करेंगे, लेकिन हाँ, वेरी गुड। कौन बोला? अरे वाह, इधर आ जा मेरा बच्चा, इसको एक तोहफा मिलना चाहिए ना, इसकी जो भी टीचर है, ठीक है। अब हम जब लोन लेंगे ना, तो लोन कैसा लेंगे? सूद पे लोन लेंगे? नको, सूद हराम है, सूद के कोई भी काम में हमें इन्वॉल्व नहीं होना है। तो अगर हमें लोन नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे? हम इन्वेस्टर्स को ढूंढेंगे। इन्वेस्टर्स कौन होता है? वो आपके प्रोजेक्ट को देखता है, वो देखता है कि चलेगा कि नहीं चलेगा, ठीक है? अगर उसको लगता है कि चलेगा तो वो कहता है कि ठीक है, 3 साल के लिए मैं आके इसके बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करूँगा, 3 साल में या तो आप मेरे साथ पार्टनरशिप कर लीजिए या फिर मुझे पैसे रिटर्न कर दीजिए, ठीक है ना?
तो इस तरह करके आप वो अचार का बिजनेस कौन सी उम्र में सेट कर सकते हैं? हाँ, कौन सी एज में आप बिजनेस सेटअप कर सकते हैं? 13, 14 यानी अगर आप 12 साल की हैं तो 13 की होंगी या 14 की होंगी तो आपका खुद का बिजनेस होगा, ठीक है ना। अब हम बार बार आपको क्यों कह रहे हैं कि भाई पढ़ाई के बाद आप बिजनेस करें, एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आए, क्या मकसद है, क्या फायदा है इसका? तो मैं खुद एतमादी आए जो समाज जमाना जो उनको कमतर समझता है वो उसे दूर करें। बहुत अच्छी बात आपने कही कि हमारे अंदर खुद एतमादी आए, ठीक है ना, और समाज जो हमें कमतर समझता है तो उसके लिए हम समाज को दोष नहीं दे सकते, उसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं क्योंकि हमने अपने आप को नहीं पहचाना है। जिस दिन आप खड़ी हो जाएंगी ना वहाँ से सूरज निकलेगा, जिस दिन आप खड़ी हो जाएंगी ना तो लोग आपके अतराफ में आ जाएंगे, लेकिन आपको सीखना रहेगा कि आप अपने लिए कैसे खड़ी होंगी, उम्मत के लिए कैसे खड़ी होंगी, ठीक है ना। तो वो इम्पॉर्टेंट है, बहुत अच्छी बात कही। नहीं, जब हम बिजनेस की बात करते हैं या एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं या पैसा कमाने की बात करते हैं तो मकसद क्या है? हम ये चाहते हैं कि जब आप अपनी रियल लाइफ में जाएंगे ना तो आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएं। अब समझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, आपको फाइनेंशियल डिसीजंस अपने खुद लेने हैं तो क्या फ़ायदा होगा, क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहेंगे? समझे कि मैंने आपको ना एक 5 लाख रुपए दिए, क्या करेंगे आप? चॉकलेट्स खाएंगी? नहीं, क्या करेंगी? वेरी गुड, क्या बिजनेस करेंगी? कुछ भी, ठीक है, बुटीक खोल लेंगी, बच्चों के टॉयज कुछ बना लेंगी, किताबें लिख लेंगी, रेस्टोरेंट खोल लेंगी, कुछ भी करेंगी, ठीक है ना। लेकिन ये तो बिजनेस अपने लिए पैसा कमाने की बात होगी, लेकिन अगर आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम है तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि आप बहुत ज़्यादा सोशल वर्क कर सकती हैं, मस्जिदें तामीर कर सकती हैं, मदरसे बना सकती हैं, गरीबों के लिए आप चैरिटी कर सकती हैं, है ना। आज क्या होता है कि अम्मी अबू जो हमें पॉकेट मनी देते हैं उसमें से हम डर डर के ना दो के ना दें, दो के मेरे पास ख़त्म हो जाएगा, सोचते हैं ना, सोच आती है ना हमें। तो जब हमारे पास फाइनेंशियल फ्रीडम होता है तो हम हमारे फाइनेंशियल डिसीजंस खुद ले सकते हैं, है कि नहीं, राइट। अब इसके क्या तरीके हो सकते हैं? एक तो ये कि आपके पास जो भी अभी सेविंग्स आती हैं, समझो कि आप लोग 8-9 स्टैंडर्ड्स के बच्चे हैं, है ना, 7-8-9, ठीक है ना। तो जब आप कॉलेज में जाएंगे या फिर आप अपने रियल लाइफ में जाएंगे तो क्या आपको इस बात की ज़्यादा खुशी नहीं होगी कि आप अपने पैसों से अपने ऊपर और लोगों के ऊपर खर्चा कर पाएंगे, है ना। क्योंकि उसमें क्या होता है कि खुद एतमादी तो आ जाती है लेकिन आप सोसाइटी के लिए, उम्मत के लिए, मुसलमानों के वेलबींग के लिए और मुसलमानों के डेवलपमेंट के लिए इतने सारे काम कर सकते हैं जितने सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, है ना। मज़े की बात, तो करेंगे ना इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। तो पहली बात ये, दूसरी बात ये कि अभी से ही यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग। अरे मैंने तो अभी कमाना शुरू नहीं किया और ये आंटी को कुछ हो गया है ना, अभी से इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, बौखला गई है क्या? नहीं, आप 150 रुपया हर महीने बचा के अपना इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? 150 रुपये से क्या होगा, मेरी पूरी ज़िंदगी भी मैं 150 रुपये करूँगी तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, होगा नहीं होगा? होगा, अरे होगा कि नहीं होगा, कैसे? हाँ बताइए, बताइए, चलिए बताइए। ओह वाव, आई लव यू, वेरी गुड। चैरिटी करने से तो बरकत ही बरकत, बरकत इंशाल्लाह, वेरी गुड। और लेकिन जब मैं इतने आपको पावरफुली कह रही हूँ कि 150 रुपये हर महीने बचाने से आपका पैसा ग्रो होगा, कैसे होगा जानना है आपने? किस किस ने जानना है? बस बस सबने नहीं जानना, ऐसा आधा जानना है, ऐसा जम के दोनों। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, सो अब क्या होता है कि किसी को पैसों का स्टोरी पता है, पैसा कैसे इजाद हुआ था? पैसे का स्टोरी पता है आपको? मनी का स्टोरी पता है? नहीं। अच्छा, जोस मालूम यहूदी कौन होते हैं?
पता है सबको, यहूदी जो है उन्होंने क्या किया था कि वो सूद पे लोगों को पैसे देते थे, ठीक है ना। लेकिन उससे भी पहले कॉन्सेप्ट ये था कि पैसे तो उस टाइम होते नहीं थे, तो आपने 5 बकरियां मुझे दे दी, उसके अवज में इन्होंने 5 किलो दाल आपको दे दी, है ना। पहले जो है वो ट्रांजैक्शंस ऐसे हुआ करते थे, ठीक है ना। फिर आपने अपनी घोड़ा गाड़ी इनको दे दी और इन्होंने अपनी ऊंट आपको दे दिया, है ना। तो ऐसे ट्रांजैक्शंस होते थे, पैसा तो था ही नहीं उस टाइम पे, लेकिन सोना ज़रूर था। अब क्या हुआ कि जब किसी को पैसों की ज़रूरत पड़ती थी, जी आप कुछ पूछना चाह रही है, जब ये चीज़ों का लेन देन और एक दूसरे के मतलब हुनर का लेन देन चालू हुआ, जो जो भी काम करता था एक दूसरे से जो है तो वो उस हिसाब से एक्सचेंज करते थे, और उसके बाद जो स्टार्ट हुआ तो जो गोल्ड कॉइन दरहम दिनार टाइप में, मतलब गोल्ड कॉइन सिल्वर कॉइन में स्टार्ट हुआ, और गोल्ड कॉइन सिल्वर कॉइन अब अपने को ऐसा लगता है चलो बहुत कम है दुनिया में सोना, लेकिन ऐसी बात नहीं है, ये लोग जो है तो सोने के ये लोगों ने पहाड़ जमा करके रख दिए हुए सबसे खींच खींच के। पहले जंग अजीम और दूसरे जंग अजीम से पहले ऐसा हुआ था कि ये लोगों ने जो है तो कर्ज दिए डॉलर की सूरत में और वापस लेंगे हम गोल्ड के सूरत में, यानी कि तुमको जो है तो कागज छाप के दे देंगे, डॉलर क्या रहता, छापे हुए रहते ना कागज, तो वो जो छाप के देंगे और बाद में उन्होंने रिटर्न लिया उसका सोने की सूरत में। अच्छा, वो डॉलर के पीछे जो गोल्ड होना चाहिए था, यानी कि कैसा रहता था, फॉर एग्जाम्पल अब एक दुकान वाला है और दूसरा, अब मैं जो है तो रुपया पैसा ले जा रही हूँ इधर से उधर, बस तुम्हारे पास गुंडे आएंगे या फिर मतलब चोर उचक के आ जाएंगे तो ले लेंगे, तो हमारे पास रखा दो, हम आपको रसीद दे देते कि हमारा इतना तुम्हारा इतना गोल्ड कॉइन हमारे पास जमा है। तो अब वो रसीद जो है तो फॉर एग्जांपल मैंने 50 सिक्के जमा करी, उन्होंने 50 रुपये की, अब मैं अभी एग्जांपल बोल रही हूँ, रुपये नहीं है, हाँ 50 जो है तो 50 गोल्ड कॉइन की उन्होंने रसीद दे दी। अब हमको जो है तो हमने इनसे जो है तो कुछ हेल्प लिए, हमने उनको 50 गोल्ड कॉइन देने का है, तो हम उनको बोल रहे ये ले लो रसीद ले लो आप, और जो है तो आप वो फला दुकान पर जाके रसीद के बजाय सोने के सिक्के ले लेना। अब ऐसे से होता ये गया कि सब जो है तो रसीदों पे ही लेन देन आ गया, और लोग जो है तो वो दुकान वाले के पास अपने सोने के सिक्के जमा करते गए और सब आपस में रसीदें एक्सचेंज करने लगे। फिर बाद में उन्होंने जो है तो कर्जा देना शुरू किया, और वो भी ऐसा कर्जा दे रहे कि हम रसीद की सूरत में कर्जा देंगे, उसके पीछे कोई गोल्ड नहीं, वापस देना तुमने गोल्ड के सूरत में, यानी लोगों के पास से उन्होंने गोल्ड जमा करना चालू करे, इसी का नाम बैंक रखा गया। जी माशाल्लाह, बहन ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि यहूदी लोग जो है ना वो बहुत स्मार्ट हैं। उन्होंने क्या किया कि जो गरीब लोग थे या जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं हुआ करते थे, तो उनको कहते थे कि आप सोना ले आइए और सोने के अवज में आप हमसे कर्जा ले जाइए, ठीक है ना। अब वो कर्जा जैसे उन्होंने बताया कि वो पेपर के बिल्स पहले बना देते थे, पहले नोट्स और अशरफियाँ और कॉइन्स और ये सारी चीज़ें नहीं हुआ करती थी, अब वो बिल्स लेकर जाते थे, तो सोना तो 100 रुपये का है लेकिन उसके अगेंस्ट में वो 1000 रुपये के नोट्स छाप के उनको दे दिया करते थे। तो ऐसा करते 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 बैंक का निज़ाम आया, फिर सूद का निज़ाम आया, और सूद का निज़ाम ऐसा है कि जो गरीब है वो गरीब होता चला गया और अमीर जो है वो अमीर होता चला गया, है ना। तो अल्लाह सुभान तआला ने और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद को हराम कहा है, और कुरान के अंदर आता है कि जो सूद को लेता है और जो सूद को देता है या जो उसके ट्रांजैक्शंस को लिखता है उसके खिलाफ अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने ऐलान जंग किया है, ठीक है। तो सूद के मामले में हमें किसी तरह से इन्वॉल्व नहीं होना है। अब कमिंग बैक टू इन्वेस्टमेंट्स, 150 रुपया पर मंथ, कौन कौन सेव कर सकता है 150 रुपया पर मंथ, इंशाल्लाह कब कर सकते हैं, थोड़ा मैकडॉनल्ड कम खा लेंगे, थोड़ा बाहर बड़ा पाव कम खा लेंगे, लेकिन 150 रुपया हम सेव कर सकते हैं, है ना। तो आपने करना क्या है कि इंडिया के अंदर सिर्फ 850 म्यूचुअल फंड हैं, कितने फंड हैं, म्यूचुअल फंड क्या होता है किसी को पता है, हाँ म्यूचुअल फंड में पैसे ऐड करते हैं, म्यूचुअल फंड क्या है, टीवी कौन देखता है यहाँ पे, म्यूचुअल फंड सही है कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड जो है एक ऐसा निज़ाम होता है कि एक कंपनी, जैसे इन्होंने अचार की कंपनी डाली, है ना, अचार की कंपनी का नाम क्या रखेंगे, नानीज अचार,
अम्माज़ अचार कुछ भी रखेंगे, ठीक है, तो हम कहते हैं नानीज़ अचार। नानीज़ अचार जो है वो आहिस्ता 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 बहुत बड़ी हो गई, हाँ बहुत बड़ी हो गई, और अब उसको मज़ीद पैसों की ज़रूरत है। तो ये क्या करती है कि ये गवर्नमेंट के पास जाती है और उनको कहती है कि सेबी में कि भाई मुझे मेरी कंपनी को लिस्ट करना है ताकि मैं हज़ारों करोड़ों के पास से पैसे लेकर फिर मेरी कंपनी को वहाँ पे रजिस्टर कर सकूँ, ठीक है ना। तो ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर करती है ना नानी सचार, पक्का, ठीक है। अब वो जब रजिस्टर करती है, जैसे जैसे मार्केट में उतराव और चढ़ाव होता है तो उनकी कंपनी का दाम बढ़ता है और घटता है, ठीक है। ये होने के बाद म्यूचुअल फंड में और स्टॉक में क्या फ़र्क है? म्यूचुअल फंड में ये होता है कि 8-10-15 कंपनीज को सेलेक्ट किया जाता है और उसका एक बास्केट बनाया जाता है, ठीक है ना, और उसमें समझे हिंदुस्तान लीवर हो गया, टाटा हो गया, अंबानी हो गया, रिलायंस हो गया, जो हज़ार कंपनीज हैं उनके शेयर्स को एक साथ रख के हज़ारों करोड़ों लोगों के पैसे उसके अंदर इन्वेस्ट किए जाते हैं, उसको हम म्यूचुअल फंड कहते हैं। इंडिया के अंदर 850 म्यूचुअल फंड्स हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ 2 ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जो हलाल हैं, जो शरिया कंप्लायंट है, जो गवर्नमेंट से और इंडिया के स्कॉलर्स ने उसको अप्रूव किया है। उसमें से टाटा एथिकल फंड, नाम याद रखिए टाटा, ये वाहिद म्यूचुअल फंड है जिसमें आप हर महीने या हर 4 महीने एक दफ़ा 150-150 रुपए का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। कैसे कर सकते हैं? हर महीने या हर 4 महीने में एक दफ़ा 150-150 रुपए का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब मैं आपको एक मिसाल देती हूँ कि अगर ये 150-150 रुपए आप जमा करेंगे तो हम समझते हैं कि 150-100 रुपए लेते हैं या 100 रुपए लेते हैं या 1000 रुपए लेते हैं, तो पहले साल आपने हर महीने 1000-1000-1000 रुपए जमा किए तो एक साल के आखिर में कितने हो जाएंगे? 12000, वेरी गुड, वेरी स्मार्ट। अब नेक्स्ट ईयर आपने वापस ये किया, हर महीने 1000-1000-1000-1000 रुपए जमा किए, 24000 हो जाएगा। लेकिन नेक्स्ट ईयर आपका जो 12000 का इन्वेस्टमेंट है, 12000 का है, उसके ऊपर आपको 20% मुनाफा होता है, 15% मुनाफा होता है, 18% मुनाफा होता है, ठीक है ना। वो डिपेंड करता है, ज़रूरी निपिक्स नहीं होता है, वो ऊपर नीचे होता रहता है। जब आपका इन्वेस्टमेंट नेक्स्ट ईयर जब आपका इन्वेस्टमेंट होता है तो आपका जो स्टॉक है या म्यूचुअल फंड है उसका वैल्यू 12000 नहीं होगा, उसके अंदर जो आपको मुनाफा हुआ है 10%, 12%, 15%, तो वो ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा करते करते लगातार अगर आप 7-8-10-20 साल करते हैं तो वो पैसा आपका कैसा होता है? कंपाउंड हो जाता है। कंपाउंड समझते हैं आप लोग, है ना? कंपाउंडिंग का मतलब समझते हैं आप लोग? कंपाउंडिंग का मतलब ये कि वो जितना अमाउंट है वो बढ़ता जाता है, ठीक है। तो उस तरह करके आप इन्वेस्टमेंट्स अभी से शुरू कर सकते हैं। आपको इन्वेस्टमेंट्स के लिए बहुत बड़े बड़े पैसों की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्लियर है सबको? चलिए, अब किसी को कोई सवाल पूछना है? कोई सवाल पूछना है? तो हम सिर्फ वो 5 चीज़ों को रिपीट कर लेंगे कि बिजनेस शुरू करने के लिए हमें क्या चाहिए। सबसे पहले अपने आप को पहचानना, नियत, एक्शन लेना, स्किल डेवलप करना, अपने आप को छोटा नहीं समझता। आई लव यू, माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक है, सेटल्ड है, ठीक है। अब मैं सिर्फ एक बच्ची के साथ काम करूँगी, कोई भी एक आ जाए जो अपने आप को पहचानना चाहती है। कौन आएगा? आ जाओ, कुल गया, कुल गया, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आप आ जाओ, चलें आपके साथ ही करेंगे, पहले उनके साथ कर लेते हैं। राइट, यहाँ आ जाओ बेटा। क्या नाम है आपका? आयशा। माशाल्लाह आयशा, मुझे ये बताइए कि अपने आप को पहचानने में आप सबसे पहले क्या करेंगी? सबसे पहले अपनी स्किल्स को समझेंगे, उसके बाद उस पर और मतलब, तो ऐसे हवा में नहीं बोली, मुझे बताओ आपकी स्किल्स क्या?
कुकिंग वेरी गुड, और मेहंदी डालना आती है, मेहंदी डालना आती है, और थोड़े बहुत काम आते हैं, थोड़ी बहुत तो सबको आते हैं। आपको क्या आता है? आप अपने आप को पहचान रही है ना, आपको क्या आता है? सबसे अच्छी पिकिंग, सबसे अच्छा कुकिंग, ठीक है। अब कुकिंग जब आप करती हैं राइट, और उसके अंदर आपको अपने आप को पहचानना है, तो आप क्या क्या कर सकती हैं? मतलब आपको दे सकते हैं खाना बनाकर, और दे सकते हैं सैमरीज पर बाहर भी, मतलब बनाकर आप दे सकते हैं। वेरी गुड। और मतलब बाहर किसको दे सकते हैं? लोगों को मतलब बेच सकते हैं, सस्ते हैं। वेरी गुड, ठीक है ना। सो हमने ये देखा कि जब हम अपने आप को पहचान रहे, यही पे रहना बेटा, जब हम अपने आप को पहचान रहे, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमारा जो स्किल सेट है उसको लिस्ट करना है। जब आप लिखेंगे ना, तो छोटी छोटी चीज़ें भी लिखें। अरे मुझे तो एक्सेल पे काम करना भी आता है, अरे मुझे तो रंग मिलाना भी आता है, अरे मुझे तो वर्ड पे भी काम करना आता है, मेरी राइटिंग अच्छी है, मुझे कैलीग्राफी करना आता है, मुझे मेहंदी लगाना आता है, वो कितनी ही छोटी काम क्यों ना हो, मुझे घर बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करना आता है। आपको मालूम है मैरी कोंडा कौन है? मैरी कोंडा जापान की एक लेडी है, जिसका काम ही है कि वो अलग अलग घरों में जाती है और उनके घरों को ना सजाती है। सजाती मतलब पूरा कड़कड़ सच पड़ा हुआ है, और वो उसको मिनिमलिस्ट लाइफ स्टाइल पर लेके आती है, सारा कचरा हटा के उनके घर अलमारियाँ ये सब सजा के उनको एक हफ्ते में हैंड ओवर कर देती है, ठीक है ना। तो कोई भी काम छोटा काम नहीं है, ठीक है। तो हमने ये देखा कि आयशा को मेहंदी अच्छा लगाना आता है, खाना अच्छा बनाना आता है, और इनको ऐसा लग रहा है कि इनको खाना ज़्यादा अच्छा बनाना आता है, और वो इनकी पहचान भी बन सकता है। अरे मुझे तो आयशा के हाथ का ना वो कलिया नान खाना है, यहाँ कलिया ज़्यादा मशहूर है, नान कलिया खाना है, मैंने अभी तक टेस्ट नहीं किया औरंगाबाद का, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो मैंने भी, अरे मुझे आयशा के हाथ का नान कलिया खाना है ना, आयशा के हाथ का, तो पहचान क्या होगी? नान कलिया नहीं हुआ, आयशा आयशा हुई, ठीक है। तो उस तरह छोटी छोटी चीज़ों में अपनी पहचान बनाइए, राइट। अच्छा, अब आपने पहले सबसे पहले लिस्ट करना है सारी चीज़ों को, 25-50-100 चीज़ें, जितनी भी चीज़, मुझे स्कार्फ बहुत अच्छे से बनाना बांधना आता है, हाँ, या मुझे काजल बहुत अच्छे से लगाना आता है, या मुझे कपड़े बहुत अच्छे से मिक्स एंड मैच करना आता है, या मुझे ड्रेसअप होना बहुत अच्छे से आता है, ठीक है ना। आपकी एज में और क्या क्या चीज़ें, मुझे एम्ब्रॉयडरी बहुत अच्छा आता है, और क्या 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 स्किल्स आप लोगों को आते हैं बताइए? स्केचिंग, हाँ बताइए 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 बताइए। ओह वाओ, आर्चरी, तीर कमान बहुत अच्छा चलाना आता है, इर्टगुल देखते हैं आप क्या? वेरी गुड, इनको तीर कमान चलाना बहुत अच्छा आता है, ठीक है। तो जितनी भी छोटी चीज़ें उसको पहले लिस्ट करें। अभी आपको नहीं समझेगा कि आपकी पहचान क्या है, 1 साल 2 साल 3 साल लगेंगे, और आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ में आएगा। फिर आप क्या करेंगी? सेकेंड पॉइंट, नियत करेंगे। नियत क्या करेंगी? कि हम ये काम में परफेक्ट हो जाएंगे और उसके बाद उसको डेवलप करेंगे। परफेक्ट हो सकते हैं? नहीं, परफेक्ट तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। आप एहसान लेकर आ सकते हैं, एक्सेलेंस लेकर आ सकते हैं, आप वो काम में मोहब्बत लेकर आ सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, उस पर खड़े होंगे, एक्शन लेंगे, चाहे कोई भी कुछ भी कहे। यानी 50 दफ़ा गिर भी जाएंगे तो फिर वापस खड़े हो जाएंगे, है ना, पक्का। तो एक्शन लेने में क्या होगा कि आप खाना बना के बेचना शुरू करेंगे, भले वो रोज़ाना एक ही प्लेट क्यों ना बेचें, लेकिन उसको बेचना शुरू करेंगे, ताकि आपको समझ में आएगा कि क्या गलतियाँ हैं, कितना खर्चा आ रहा है, मेरा प्राइसिंग सही है कि प्राइसिंग सही नहीं है, मुझे दाम ज़्यादा रखना चाहिए, मार्केटिंग कैसे करनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें सीखते 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 आपको आएगा। तो जब तक एक्शन नहीं लेंगे, सोचते रहेंगे, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, और हमें कुछ करना है, ठीक है। फिर चौथा काम क्या करेंगे? डेवलप करेंगे, डेवलप करेंगे। सो अगर जैसे आपको कुकिंग अच्छा आता है, तो आप अपना करियर ही उसमें बना सकते हैं। आज तो होटल इंडस्ट्री इतना ज़्यादा माना जाता है कि लाखों हज़ारों जो ये हैं पैसे, वो शेफ़ को मिलते हैं, बाहर से लोग बुलाते हैं शेफ़ को। कैनेडा अगर आप, आपका नसीब आपको शादी करके ले जाए, या ऐसे ही आप चले जाएँ, तो वहाँ तो शेफ़ का इतना पैसा है, इतना पैसा है कि आप बस रेलम पेलम, ठीक है ना। तो आप जो करियर डिसीशन लेंगे,
उसमें एक्शन लेने के बाद अपने स्किल्स को और डेवलप करेंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसी के अंदर पढ़ाई करें, लेकिन शॉर्ट कोर्सेज कर लिए, उसके ऊपर कंटिन्यूसली वीडियोस देख रहे हैं, अच्छे जो कुक्स हैं उनसे मिल रहे हैं, उनसे सीख रहे हैं, अलग अलग जगह पे ट्रैवल करके अलग अलग चीज़ों को सीख रहे हैं, ठीक है। फिर अपने आप को छोटा नहीं कर देंगे, फिर तो लोग और खींचेंगे, अरे क्या इतनी छोटी बच्ची क्या करेगी, कुछ नहीं कर सकती, बैठ पढ़ाई कर, कॉलेज पूरी कर, लेकिन हिम्मत नहीं छोड़ेंगे। अभी आपने कभी एकदम छोटे से बच्चे को देखा, एकदम छोटा सा बच्चा जो अभी ऐसा ऐसा क्रॉल करना शुरू करता है ना, और वो क्रॉल करने के बाद पहला कदम उठाता है तो कैसा उठाता है, ऐसे ऐसे एकदम डर डर के पहला कदम उठाता है और फिर गिर जाता है। फिर क्या करते हैं मम्मी, अच्छा क्या करता है ना, मम्मी अब वो खड़े रहते अच्छा मोटिवेशन देते। तो यहाँ पे रियल लाइफ में आपको मोटिवेशन नहीं मिलेगा, लोग आपको गिराएंगे, क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, हम उनकी बातों को नहीं सुनेंगे और उठकर खड़े हो गए, तालियां, रियली तालियां, है ना, पक्का। तो ये भी हो गया पांचवा पॉइंट, और छठा क्या करेंगे, तब क्या करेंगे, छोटा नहीं समझेंगे अपने आप, अच्छा छोटा नहीं समझेंगे वो हो गया, ठीक, थैंक यू। छठा पॉइंट इधर पर क्या था, पीपल ने बने, अरे हेल्प करे तो गहने देंगे क्या, फिर हम पैसा कमाएंगे, क्या करेंगे, पैसा कमाएंगे, वेरी गुड वेरी गुड। और फिर चैरिटी तो हमारा हिस्सा है ही, वेरी गुड आयशा, ठीक है। तो अब मैं आपसे जब 3 साल में मिलूंगी तो आपका क्या होगा, आयशा किचन, हाँ, या मम्मी के नाम पे होगा या अबू के नाम पर होगा, मम्मी, ओके वेरी गुड, वो भी आपकी पहचान हो सकती है, जरूरी तो नहीं कि मेरे नाम से ही मैं पहचानी जाऊँ, काम मेरा मेरे बारे में बोलना चाहिए, ठीक है, वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड, ऑल राइट, ठीक है। और किसी को एक्सरसाइज करना है, ये आपको करना था, यहाँ तक किसी को कर, आ जाओ, आपको भी करना है, ठीक है। सो हाँ, ऑफिशियली हमारा सेशन ख़त्म हो चुका है, आप लोग जो जाना चाहते हो जा सकते हैं, और ऐसे ही इनफॉर्मली बात करना चाहते तो बात कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों के टाइम के लिए, आप लोगों ने इतना वक्त दिया, हमारी बातों को सुना, अगर इसमें कुछ कमी बेशी है तो वो प्योरली मेरी तरफ से है, अगर कुछ खैर है तो वो अल्लाह सुभान ताला की तरफ से है, ठीक है ना। एंड इंशाल्लाह 5 साल में मुझे यहाँ पे कम से कम 60-70 एंटरप्रेन्योर्स चाहिए, कितने चाहिए, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। वाखिर दावाना अनिलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम, आप भी हमारे इस काम में ताउन करें, अपनी ज़कात और सदक़ात के जरिए डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट अस पर क्लिक करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हक़दार बने। रोजाना हमारी वीडियो को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकअल्लाह।